Welcome to Engineering Hotspot. On a student demand, today we have brought topic on heat treatment, and we will start our topic with the quote, beat the heat with the heat treatment. Okay, so let's begin. First of all, I would like to ask you that what is heat treatment? So heat treatment se hum kya samajhte hain? Heat treatment mein humko heat ke application se kisi bhi particular sample mein ya kisi specimen mein या किसी कंपोनेंट में मशीन के हमको वो प्रॉपर्टीज इंड्यूस करनी है जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है. तो हम हीट का एप्लीकेशन करके उसको उसके माइक्रो उसमें माइक्रोस्ट्रक्चर चेंजेस करके उसमें उसके फेजेस में चेंज करके उसमें वो प्रॉपर्टीज इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली हीट ट्रीटमेंट को समझने से पहले हमको ट्रिपल टी डायग्राम दैट इज टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हीट ट्रीटमेंट है हमारा वो टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम से ही डिजाइन होता है. द बेसिक डिजाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन दैट डायग्राम. सो बिफोर गोइंग टू द टीटीटी डायग्राम आई विल फर्स्ट टेक द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आयरन कार्बन डायग्राम दैट विल एक्चुअली कनेक्ट इजी टू कनेक्ट विद द टीटीटी डायग्राम. ओके सो आई एम टेकिंग दैट स्मॉल सेक्शन. ये हम टेम्परेचर एक्सेस बनाएंगे, ये हमारा कॉम्पोजिशन एक्सेस हो गया. ओके This axis is the composition axis. Here I am taking the weight percent of carbon, which is increasing this way. Okay, and on this axis I am taking temperature in degree Celsius, which is increasing this way. Okay. अब हमको यहाँ पे कुछ फेज मेंशन करने हैं जिसका फेजेस का केवल फर्स्ट लेटर में यूज करने वाला हूँ. सो थ्रू आउट द लेक्चर हम सेम एब्रिविएशन फॉलो करेंगे फेजेस के लिए. सो द फर्स्ट फेज आई एम डिनोटिंग हियर द ऑस्टेनाइट विद ए फेराइट. हियर विल बी द मिक्सचर ऑफ फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट एंड हियर वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ फेराइट प्लस परलाइट. हियर वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ फेराइट प्लस सीमेंटाइट एंड हियर वी आर गेटिंग ऑस्टेनाइट लैडिवराइट एंड सीमेंटाइट. ओके ठीक है, इससे हम क्या समझते हैं कि सॉरी बिफोर दैट आई विल मार्क टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर दैट इज 0.76% कार्बन एंड दिस यूटेक्टाइट टेम्परेचर व्हिच इज 727 डिग्री सेल्सियस. ओके अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर एक्सिस से कोई लाइन ड्रॉ करें और एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम कॉम्पोजिशन एक्सिस से, ये जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कौन सा फेज यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे स्टेबल है. यहाँ हमने देखा कि ऑस्टेनाइट स्टेबल है. सो ये हम थ्रू आउट द डायग्राम ही पता कर सकते हैं कौन सा फेज कब किस टेम्परेचर पे और किस कॉम्पोजिशन पे स्टेबल है. ओके अगर इसी पर्टिकुलर पॉइंट से लेट अस सपोज इस पॉइंट पे हम थे, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हमने इसकी हीटिंग चालू की इन दिस वे. ओके सो अगर हम आयरन कार्बन को पूरा एक्सपांड करें तो हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर व्हेनेवर इट क्रॉसेस द बाउंड्री नेक्स्ट कौन सा फेज है, उस टेम्परेचर तक अगर इसको लेके जाएंगे तो ये वहां पर उस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फेज वहां पर स्टेबल हो जाएगा. अगर हम इसको सिमिलरली डाउनवर्ड कूल करें तो यहां पर हमको पता चलेगा इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम इस पॉइंट पर स्टॉप हो जाते हैं तो ये ऑस्टेनाइट किस पर्टिकुलर फेज में कन्वर्ट होने वाला है. तो आयरन कार्बन डायग्राम को एक बेसिक सिंपल इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा फेस किस टेम्परेचर पर स्टेबल है और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसकी हीटिंग करते हैं या कूलिंग करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर जो हम अचीव करेंगे वहां पर कौन सा फेस स्टेबल होने वाला है. बट नाउ द पॉइंट विच आयरन कार्बन डायग्राम डज नॉट कवर इज अगर हम इसी पर्टिकुलर सैंपल को सपोज दैट यहां पर आप ये सैंपल भी ले सकते हो जो कि हाइपो यूटेक्टाइट कंपोजिशन होगा. यूटेक्टेड कंपोजिशन क्या होता है, ये पर्टिकुलर कंपोजिशन यहां पे एक सॉलिड यहां पे दो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज वी कॉल परलाइट. परलाइट में क्या क्या होता है, परलाइट में सीमेंटाइट होता है और फेराइट होता है. सो दिस इज मिक्सचर ऑफ द टू सॉलिड. तो ये ऑस्टेनाइट सिंगल सॉलिड परलाइट में यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं यूटेक्टाइट पॉइंट. ओके अगर आप यूटेक्टाइट के पहले वाला कंपोजिशन लेते हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपो यूटेक्टाइट स्टील. This is because the steel section we are considering. So that will be called hyper-eutectoid steel. अगर इसके बाद वाला section लेते हो ये कहलाएगा hyper-eutectoid steel. Okay? So
हम यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन ले सकते हैं, सबके लिए सेम ही चीज होने वाली है, पर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे बस होगा क्या कि एक एक्स्ट्रा फेज आ जाएगा, परलाइट के अलावा इस साइड अगर जाएंगे तो एक फेराइट फेज आपको दिखेगा जो एक्स्ट्रा रहेगा, और यहाँ पे आपको एक सीमेंटाइट फेज है जो आपको एक्स्ट्रा दिखेगा यहाँ पर, सॉरी दिस वॉज परलाइट, इन दिस वी गेट परलाइट प्लस सीमेंटाइट। ओके, so now we are taking a particular sample of austenite which has a composition of 0.76% of carbon which is eutectate composition, इस particular sample को लेके हमने cool किया और यहां दो point तक गए, पहला point हमने लिया 550 और दूसरा point हम ले रहे हैं 350 degree celsius। अब अगर हम इस austenite को 550 तक जाके कूल करते हैं तो डेफिनेट है परलाइट ही मिलने वाला है, उसके नीचे अगर 350 तक जाएंगे तब भी परलाइट ही मिलेगा, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस परलाइट एंड दिस परलाइट, बिकॉज़ व्हेन यू कूल फ्रॉम दिस टेंपरेचर रेंज द डिफरेंस बिटवीन द टेंपरेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर, हियर वी आर टेकिंग दिस ऑस्टेनाइट एट से 900 डिग्री सेल्सियस, तो अब यहां पे कितना डिफरेंस है, 450 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है और इसमें 550 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है, तो जिस रेट से ये रिएक्शन होगी ट्रांसफॉर्म होने के लिए और जिस रेट से ये रिएक्शन होगी उन दोनों में डिफरेंस होने वाला है, तो परलाइट के फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन का रेट है उसमें डिफरेंस रहेगा पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो 550 डिग्री सेल्सियस पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो जो टाइम लेगा और 350 पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो जो टाइम लेगा उसमें भी डिफरेंस होने वाला है, ये सारी चीजें आप आयरन कार्बन डायग्राम से नहीं पता कर सकते बिकॉज इट इज अ फेस इक्विलिब्रियम डायग्राम, यहाँ पे आपको फेस इक्विलिब्रिया पता चलता है, बट वेन वी हीट ट्रीट दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो फॉर दैट वी नीड टू डेवलप अ न्यू डायग्राम विच covers the time, rate, everything. I will redraw this down part so that everything will be visible. Yahan pe kya hai 0.76% carbon perlite at this composition and perlite plus ferrite परलाइट प्लस सीमेंटाइट। अब हमने क्या किया, सिंपली वी आर टेकिंग फाइव आइडेंटिकल सैंपल्स हियर ऑफ सेम कंपोजिशन, फाइव आइडेंटिकल सैंपल्स वी आर टेकिंग हियर, वी हैव फाइव सैंपल्स, ओके, वी आर गोइंग टू कूल दैट, द फर्स्ट सैंपल वी विल कूल अप टू दिस टेंपरेचर, आई एम मार्किंग दिस टेंपरेचर एज वन and as we are going down I will mark 2, this is for second sample, this is for third sample, fourth and fifth, okay, now first sample I am cooling up to 700 degree celsius, second one 650 degree celsius, third one up to 550 degree Celsius, fourth one up to 450 degree Celsius, and the fifth one up to 350 degree Celsius, okay, so हमने क्या किया, पांच सैंपल लिए और पांच अलग अलग मीडियम जो कि जिनमें से एक 700 पे है, दूसरा 650 पे है, 550 पे है, 450 पे है, ये कांस्टेंट टेंपरेचर पर पांच मीडियम हमने डिफरेंट डिफरेंट लिए जो कि मेंटेन है ऑलरेडी, और अब हमको क्या करना है, अपना एक एक सैंपल एक एक मीडियम में जाके रख देना है और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे
जाके देखना है कि ये ऑस्टेनाइट परलाइट में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, किस रेट से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो ऑब्जर्व करके हम एक कर्व प्लॉट कर सकते हैं जो कि हम सेपरेटली यहां पर प्लॉट करेंगे, एंड दैट इज वर्सेस टाइम, दैट इज टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली. सो दिस विल एक्सीड दिस साइड एंड परसेंटेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, हियर आई एम मार्किंग द 100% ट्रांसफॉर्मेशन. 100% ट्रांसफॉर्मेशन मींस यहां पे जाके ऑस्टेनाइट पूरा परलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज 100% परलाइट अगेन, राइट पी. अब हमने क्या किया, पहला जो हमारा सैंपल था हमने उसको ऑब्जर्व किया 700 डिग्री सेल्सियस पे, जो मीडियम हमारा कूलिंग का मेंटेन था उसमें जाके हमने उसको रख दिया. अब ये आइसोथर्मली 700 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसफॉर्म हुआ परलाइट में. देखो 700 डिग्री सेल्सियस पर परलाइट किसके लिए, ऑस्टेनाइट को कन्वर्ट होना पड़ेगा परलाइट में, बट वो कुछ टाइम लेगा, कोई वो हम ड्रॉ कर सकते हैं यहां पे. जब हमने पहला सैंपल लिया तो हमने क्या देखा, ये जो परलाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन है ये यहां से स्टार्ट हुआ, इतने टाइम लेने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और स्लोली जीरो से स्टार्ट होकर 10, 20, 50 और ये जाके 100% ट्रांसफॉर्म हो गया इस पॉइंट पे जाके. ओके, इसको हमने यहां पे बंद दिया है 700 को, यहां पे हम इसको बंद दे देंगे. ओके, नाउ हमने दूसरा सैंपल सिमिलरली ऑब्जर्व किया, उसके लिए देखा, वो 650 डिग्री सेल्सियस वाले मीडियम में रखा हुआ था, वहां पे जाके देखा, वो इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया और सिमिलर कर्व फॉलो करके यहां पे 100% अचीव किया, मार्किंग 2. ओके, सिमिलरली थर्ड 550, इसके लिए और डिक्रीज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसके लिए और डिक्रीज हो गया. बट व्हेन वी गो फॉर फर्दर डिक्रीमेंट ऑफ द टेम्परेचर, हमने 450 डिग्री सेल्सियस वाला मीडियम जब चेक किया और वहां पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये टाइम फिर से इंक्रीज होना चालू हो गया है जिस पे कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है. ओके, एंड वी वेंट फॉर लास्ट सैंपल, दैट इज फिफ्थ वन, ये यहां पे 100% परलाइट किया. ओके, सारे सैंपल्स अलग अलग ड्यूरेशन कंज्यूम करके स्टार्ट कर रहे हैं परलाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद 100% परलाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं. अब ये जो पीरियड है, ये जो जहां पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये स्टार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट हर एक टेम्परेचर के लिए अलग अलग है. ये क्यों अलग अलग है ये हम दूसरे प्लॉट में इसको समझेंगे, अभी हम इसको एक नाम देंगे जो ये टाइम लैग है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने के पहले का, कहते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड एंड दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टेम्परेचर मीडियम वी आर मेंटेनिंग एंड वी आर कन्वर्टिंग ऑस्टेनाइट आइसोथर्मली इनटू पियरवाइट. ओके फाइन, सो नाउ वी नो द इंक्यूबेशन पीरियड and how these transformations are taking place at different temperatures. अब हम इस curve में ये देख सकते हैं, इस plot में कि यहाँ पर percentage transformation दिख रहा है, time दिख रहा है, कितना time मिलेगा transformation में ये भी हम बता सकते हैं. अगर हम यहाँ से इस time को देख लें कि ये 5 second है और इस point को देख लें कि ये 10 second है, तो हम बता सकते हैं 10 second में पूरा transformation हुआ और इसके पहले जो time लिया उसको ऐड करके हम बता सकते हैं टोटल ट्रांसफॉर्मेशन टाइम ये था. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद केवल ग्रोथ होती है, परलाइट 100% इस पॉइंट पे लेके ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके बाद जो भी ग्रेन्स हमारे बनते हैं, जो भी परलाइट हमारा बना हुआ है वो ग्रो करेगा और ग्रेन साइज बढ़ेगा आपका. ओके, सो इस डायग्राम में हमको परसेंटेज ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, टेम्परेचर दिख रहा है, बट इनको हम प्रॉपरली एक साथ कोरिलेट नहीं कर सकते इस वाले डायग्राम से, हमको तीनों को एक ही प्लॉट में
कोरिलेट करना है, उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं ट्रिपल टी डायग्राम। बट बिफोर दैट, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो टेम्परेचर है हमारा 700 डिग्री सेल्सियस, फिर 650 डिग्री सेल्सियस, 550 डिग्री सेल्सियस, इनके लिए जो स्टार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पहले जो इंक्यूबेशन पीरियड आ रहा है वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये क्यों हो रहा है उसका रीजन आप पहले जान लेंगे, उसके लिए हमको ड्रॉ करना है एक छोटा सा प्लॉट जिसमें हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एक टेम्परेचर एक्सिस है सिंपली, जहां से हम कूलिंग कर रहे हैं जिस पॉइंट से वो पॉइंट यहां पर मेंशन करेंगे। सपोज ये पॉइंट 727 डिग्री सेल्सियस है, इसके ऊपर भी हमारा ऑस्टेनाइट स्टेबल है, ओके, और हमने कूल किया है सपोज 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ, तो पहले हमको यहां पर ये एक्सिस डिफाइन करेंगे, ये हम डिफ्यूजन के लिए ले रहे हैं, यहां पर हम बात करते हैं डिफ्यूजन। अब देखो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज रिलेटेड टू एटॉमिक मोबिलिटी, दैट इज टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू मूव सम एटॉमिक डिस्टेंसेस। उससे क्या होता है, जब एटम्स मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो ये कॉम्पोजिशनल चेंज लाते हैं मटेरियल में, कॉम्पोजिशनल चेंज आता है तो फेस चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली जो फिनोमेना है वो डिफ्यूजन से ड्राइव होती है, और डिफ्यूजन डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर हाई है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा और टेम्परेचर लो है तो डिफ्यूजन कम होगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन। तो अगर हम यहाँ पर डिफ्यूजन का प्लॉट ड्रॉ करें तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो डिफ्यूजन यहाँ पे ज्यादा होगा यहाँ पे कम होगा, तो ये यहाँ से इस तरीके से इंक्रीज होगा इस तरफ को, ओके। सिमिलरली हम यहाँ पे एक एक्सिस ले रहे हैं, इसको हम नाम देंगे डेल्टा जी, डेल्टा जी इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द फ्री एनर्जी। तो पहले फ्री एनर्जी क्या है, फ्री एनर्जी होती है एनर्जी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर फेज, किसी भी जिस फेज की भी फ्री एनर्जी सबसे कम होगी वो फेज उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टेबल होगा। जैसे कि अगर हम इस पॉइंट पे देखें कि यहाँ पे ऑस्टेनाइट परलाइट में ट्रांसफॉर्म इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे परलाइट की जो फ्री एनर्जी थी वो लेसर थी ऑस्टेनाइट से, इसलिए यहाँ पे परलाइट स्टेबल हो गया, ओके। सो फ्री एनर्जी इज गेटिंग डिक्रीज विद द टेम्परेचर हियर। अब अगर लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे हमको डेल्टा जी देखना है। डेल्टा जी क्यों देखना है, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं इस बात में नहीं कि यहाँ परलाइट स्टेबल है, यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं इस बात में कि जो परलाइट यहाँ पे स्टेबल है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, इनके फॉर्मेशन का काइनेटिक्स क्या है। तो इनके फॉर्मेशन का जो काइनेटिक्स है वो जी पे अकेले डिपेंड नहीं करेगा, वो डेल्टा जी पे डिपेंड करेगा, वो डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑस्टेनाइट है उसकी जो फ्री एनर्जी है और यहाँ पे जो हमारा परलाइट है जो हम पांच पॉइंट लेना है, पांच स्पेसिमेन ले रहे हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी फ्री एनर्जी में और यहाँ पर जो पहला परलाइट हमने लिया है 700 डिग्री सेल्सियस पे जो ट्रांसफॉर्म किया है उनकी फ्री एनर्जी में डिफरेंस कम होगा, ओके। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा है, डेल्टा जी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो ये फिफ्थ सैंपल हमने लिया हुआ है इसका डेल्टा जी सबसे ज्यादा होगा। तो ऑस्टेनाइट फिफ्थ में कन्वर्ट होने के लिए या 350 डिग्री सेल्सियस वाला जो मीडियम है उसमें जो कन्वर्जन होगा उसका काइनेटिक्स बहुत हाई होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट सैंपल, ओके। दिस इज शोन बाय द डेल्टा जी। सो अगर हम देखें तो डेल्टा जी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर डिपेंडेंट है। तो जब हमारा सैंपल यहाँ पे 700 डिग्री सेल्सियस पर था, ये सपोज 700 डिग्री सेल्सियस वाला पॉइंट है, तो डेल्टा जी कम था, ये सपोज हमारा 650 वाला पॉइंट है तो डेल्टा जी और बढ़ा, ये हमारा 550 डिग्री सेल्सियस वाला पॉइंट है तो डेल्टा जी और इंक्रीज हुआ, ऐसे ही 450 एंड 350, तो डेल्टा जी यहां से इंक्रीज होना चालू होगा और ये सिमिलर का फॉलो करके यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट इसको हम 550 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं, ओके। सो अब ये क्यों इंक्यूबेशन पीरियड डिक्रीज हो रहा है और क्यों इंक्रीज हो रहा है और 550 डिग्री सेल्सियस के लिए क्यों सबसे कम है, ये हम यहां से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जब पहला सैंपल हमने लिया 700 डिग्री सेल्सियस वाला तो डेल्टा जी जो था
वो कम था, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन तो होना है प्रलयक में, बट जो काइनेटिक्स है वो स्लो होगी, ओके। सो न्यूक्लिएशन रेट स्लो होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की टेंडेंसी स्लो है, तो न्यूक्लिएशन स्लो होगा, ओके। सो यहां पे न्यूक्लिएशन स्लो होगा तो टाइम जो स्टार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, तो इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ जाएगा, ओके। नेक्स्ट मीटिंग 650 डिग्री सेल्सियस, तो 650 डिग्री डेल्टा जी थोड़ा बढ़ा, यानी टेंडेंसी या काइनेटिक्स जो है ट्रांसफॉर्मेशन की वो बढ़ी, यानी न्यूक्लिएशन थोड़ा सा फास्ट होगा तो इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। 550 पे डेल्टा जी थोड़ा और बढ़ा, और ऊपर से ये जो डिफ्यूजन है ये भी हमारा इस टेम्परेचर पे एक कंसिडरेबल वैल्यू पे है, तो ये हमारा लीस्ट हो गया, यहाँ पे हमको दोनों की एक कॉम्प्रोमाइज वैल्यू मिली और ये हमारा इंक्यूबेशन पीरियड 550 के लिए लीस्ट हो गया। अब जैसे ही टेम्परेचर और रिड्यूस किया 450 डिग्री सेल्सियस पे, और रिड्यूस किया यहाँ पे क्या होने लगा, डेल्टा जी तो बढ़ने लगा बट डिफ्यूजन अगर करवा अगर देखो तो डिफ्यूजन की वैल्यू यहाँ पे लोअर है, डेल्टा जी की वैल्यू हायर है, तो काइनेटिक्स की टेंडेंसी तो है बट टेम्परेचर की वजह से डिफ्यूजन लो है, तो एटॉमिक मोबिलिटी रिड्यूस हो गई, न्यूक्लियर तो होगा बट एटम्स मूव होने की टेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी, इस वजह से इंक्यूबेशन पीरियड अगेन बढ़ना चालू हो जाएगा और 450 के लिए थोड़ा बढ़ेगा, और जैसे ही हम थोड़ा और लोअर जाएंगे डिफ्यूजन और रिड्यूस हो जाएगा, डेल्टा जी हाई होगा बट डिफ्यूजन लो हो जाएगा, तो ये अगेन बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई ये पहले डिक्रीज होता है, एक कॉम्प्रोमाइज वैल्यू पे पहुंचता है डेल्टा जी और डिफ्यूजन की, उसके बाद अगेन ये इंक्रीज होना चालू होता है, ओके। किसी भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर से इंक्यूबेशन पीरियड आप रिड्यूस नहीं कर सकते, आपको दोनों ही कॉम्प्रोमाइज वैल्यू जहां पर मिलेगी वहां पर इंक्यूबेशन पीरियड लीस्ट होगा, अगर आपके पास एक पैरामीटर है तो इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ना चालू हो जाएगा। अब जब हमने ये समझ लिया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रिपल टी डायग्राम प्लॉट करेंगे, जो कि हम इस पर्टिकुलर प्लॉट के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं, जहां पे हमारा टेम्परेचर भी होगा, टाइम भी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। यहां पे हम ले रहे हैं टाइम एक्सिस, बेसिकली ये लॉग स्केल पे ली जाती है, ओके। यहां पे हम ले रहे हैं टेम्परेचर एक्सिस, ये इंक्रीज होगा, यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ऑस्टिनेट स्टेबल है 727 डिग्री सेल्सियस, और उसको हमने डॉट डॉट करके ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर हमको ऑस्टिनेट स्टेबल फॉर्म में अवेलेबल। अब हमको क्या करना है, जो फाइव सैंपल हमने डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट टेम्परेचर पर जो हमारे मेंटेन थे जिस पर हमने कूल किया है आइसोथर्मली, उनको यहां पर मार्क कर देना है 700 डिग्री सेल्सियस, 650 डिग्री सेल्सियस, 550, 450 एंड लेट मी टेक इट 5 samples, so we will consider them only for instance, okay? इनको हमको temperature axis को थोड़ा सा ये जो point हमारा 700 इसको extend कर देना है time axis पे। तो इन सारी lines को हमने extend कर दिया temperature के। अब ये पर्टिकुलर लाइन 700 शो कर रही है 650, 550, 450 एंड 350, ओके। अब हम क्या करेंगे, हर पर्टिकुलर सैंपल के लिए ये जो पॉइंट है ये स्टार्ट पॉइंट है पीएलईटी ट्रांसफॉर्मेशन का, ये एंड पॉइंट है, तो हमको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ये कर्व है, फर्स्ट करस्पॉन्ड्स टू 700 डिग्री सेल्सियस, तो 700 डिग्री सेल्सियस वाला जो कर्व है वहां पे इसके स्टार्ट और इसके एंड पॉइंट को प्रोजेक्ट करना है। So I'm projecting this start point and this is end point. Okay. Now we will go for the second sample which is 650. So this will be the start point, end point project kar diya. Third sample is start point,
एंड पॉइंट, फोर्थ सैंपल स्टार्ट पॉइंट, फोर्थ सैंपल फिनिश पॉइंट, सिमिलरली फिफ्थ। ओके, सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑन एवरी टेम्परेचर लाइन इज शोइंग द स्टार्ट पॉइंट ऑफ पीएलडीटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड द सेकंड पॉइंट इज शोइंग द फिनिश लाइन ऑफ द पीएलडीटी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो वी विल जॉइन ऑल द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द ऑल द टेम्परेचर्स। Now we will join the finish point on a single curve. So इस curve को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं P start. Okay? P start. यहाँ पे P start पे 0% PLDT transformation हुआ है. इस particular point पे हम बोल सकते हैं इसको P finish. इस कर्व पे जो भी पॉइंट है वो 100% पीएलडीटी ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया था, हमने एक ऑस्टेनिटिक सैंपल जो हमारे पास था, पांच सैंपल्स थे, उसमें से हमने पहला लिया जो 700 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हमने 700 डिग्री सेल्सियस वाले मीडियम जो मेंटेन था उसमें जाके रख दिया और ऑब्जर्व किया कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा था। वो ऐसे हो रहा था, फर्स्टली वो कूल हुआ 700 तक इसी पर्टिकुलर कूलिंग रेट पे, उसके बाद आइसोथर्मली इस कर्व को फॉलो करते हुए यहां पे आया, यहां पे पीएलडीटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और कुछ टाइम के बाद ये 100% पीएलडीटी का कन्वर्ट हुआ। उसके बाद यदि हम उस बात में उसको रखते हैं 700 डिग्री सेल्सियस वाले में, तो क्या होगा, जो पीएलडीटी है वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है पूरे स्पेसिमेन, अब वो ग्रो करना चालू करेगा और क्रिस्टल साइज इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। ओके, नाउ सेकंड सैंपल लेते हैं सिमिलरली, इसको हमने कूल किया, ये फॉलो किया सेम टेम्परेचर और सिमिलरली यहां पे 0% से स्टार्ट होगी 100% कन्वर्ट होगी, यहां पे इसकी ग्रो प्रोसेस चालू हुई। ओके, सिमिलरली फॉर 550, now the mechanism is same, just we need to put that sample in that medium that will cool with some cooling rate and then it will transform isothermally into a perlite. Okay, fine. अब difference क्या है, 700 degree celsius, 650 degree celsius, 550 degree celsius पे जो cooling हो रही है उसमें difference क्या है? उसमें difference ये है, इसके पहले जो हमने plot देखा उसमें क्या हो रहा था, जब temperature high था तो diffusion ज्यादा था, diffusion ज्यादा था यानी कि 700 degree celsius वाला जो हमारा transformation हो रहा है इसमें परलाइट ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी एटॉमिक मोबिलिटी रहेगी, तो जो ग्रेन्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं, उनके पास ग्रो होने का स्कोप है, तो ग्रेन लार्जर होंगे, जैसे ही हम नीचे आते जाएंगे डिफ्यूजन रिड्यूस होता जाएगा, इसके बाद जो ग्रेन ग्रोथ की प्रोसेस है वो इस केस में ऊपर वाले केस से कम रहेगी, जैसे ही नीचे जाएंगे ये प्रोसेस रिड्यूस होती जाएगी। तो इससे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर रेंज में यहां पे हमको ये ऊपर वाली जो रेंज है यहां पे हमको मिलता है कोर्स परलाइट, कोर्स परलाइट यानी कि कोर्सर ग्रेन्स, ग्रेन्स बड़े बड़े रहेंगे, जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम कर्व में तो यहां पे जो कूलिंग हमारी होगी इस पर्टिकुलर रेंज में से लेस देन 650 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे जो हम आइसोथर्मल कूलिंग कराएंगे इसमें हमको यहां पे जो ऑब्टेन होगा वो होगा फाइन परलाइट इस पर्टिकुलर एरिया में। ओके, अब ये जो लीस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है जहां पे की कर्व टर्न लेता है इसको हम बोलते हैं बेसिकली नोज ऑफ द डायग्राम। ओके, तो ये जो नोज है हमारी इस पॉइंट के नीचे जो हम कूलिंग कर रहे हैं 450 350, यहां पे जो हम कूलिंग करते हैं यहां पे डिफ्यूजन और कम हो जाता है और जो ग्रेन्स हैं वो बहुत फाइन बनते हैं, तो यहां पे जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा वो मिलेगा बेनाइट का।
एंड बेनाइट इज नथिंग बट वेरी फाइन परलाइट मीडियम. ओके तो ये तो हो गया कोर्स परलाइट फाइन परलाइट बेनाइट विच इज वेरी फाइन परलाइट. ओके